हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इस वाले ब्लाउज की बैक नेक की डिज़ाइन देखी थी। आज हम लोग देखेंगे इसके बाजू की डिज़ाइन। ठीक है, तो बाजू को जितना लंबा रखना हो, जैसे यहाँ पे 8 इंच रखना था तो हमें इसे 8 इंच पे काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लेयर में मोड़ के ताकि बाजू हो जाए। अब बाजू में हमने जो फ्रिल लगाया था वो था साड़ी के कपड़े का, तो इसे आपको कम से कम 2 इंच चौड़ा लेना है और बिल्कुल लंबा सा, और उसे काट लेना है और इसे बीचों बीच हम लोग करके मोड़ देंगे। बिल्कुल किनारे पे आपको एक सिलाई करना है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो देखने के दौरान कहीं समझ में ना आए तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे हम इसे लंबी पाइप की तरह सिलाई करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हमें इसे सीधा नहीं करना है। दोस्तों, स्क्रीन पे आपको जो मेरी इंस्टा फेसबुक की यूजर नेम दिख रही है, आप चाहे तो हमें सर्च करके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हमसे अगर कोई बात करना हो तो डायरेक्टली वहाँ पे बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम लोग देंगे चूनन, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ऐसे ही आपको चूनन करके देते जाना है, और स्क्रीन पे आपको जो वेबसाइट दिख रही है, आप यहाँ से किचन से रिलेटेड या फिर सिलाई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने चुनन तैयार कर लिया। अब ये जो हमने बाजू की कटिंग की थी तो उस वक्त सिर्फ कपड़े थे, अब हम इसके ऊपर अस्तर रख के कटिंग करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ना, टोटल 2.5 इंच अंदर की तरफ होके कटता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब बाजू के बीच में हम लोग डालेंगे ये वाला जो हमने चुनन तैयार किया है, जिसे फ्रिल भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे आपको अस्तर और कपड़ा को मिला लेना है, और अस्तर के ऊपर रख कर दोनों के एक ही साथ सिलाई कर देना है। अगर आपको सिलाई करने में दिक्कत आए तो पहले आप अस्तर के ऊपर रख के, ठीक है, अंदर की तरफ करके आप सिलाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आप दोनों को ऐसे ही रख के बीच में इसे रख के सिलाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी धीरे धीरे सिलाई करना है ताकि धागा उतरे नहीं नीचे। दोस्तों, ये वाला डिजाइन और स्टेप काफ़ी आसान है। विशेष में यही है कि आपके कम से कम 1/2 मीटर जितना कपड़ा वेस्ट हो जाएगा ये फ्रिल बनाने में। ये वाली डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है और इन दिनों कस्टमर की डिमांड भी है। ठीक है, अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हो जो किचन से रिलेटेड हो या फिर सिलाई से, तो स्क्रीन पे आपको जो वेबसाइट दिख रही है वो हमारी ही वेबसाइट है, आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमने एक बाजू को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऊपर से भी एक सिलाई कर सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है, और नहीं तो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे किनारे पे सिलाई, क्योंकि हम करेंगे यहाँ पे कच्ची पक्की वाली सिलाई। ठीक है, इसलिए भी हम बिल्कुल किनारे पे चिपका के करेंगे सिलाई, और उसके बाद हम लोग सीधा करने के बाद एक्चुअल जितना साइज है उतना पे हमें सिलाई कर देना है। ऐसे सिलाई करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपके कपड़े बर्बाद नहीं होते। आप लाइफ में जितना भी मोटे हो जाओ, आप इसे खोल खोल कर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम दूसरी वाली बाजू को भी ऐसे ही करके तैयार करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो कमेंट करके हाँ लिखिएगा, और नहीं समझ में आई तो ना। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने ये दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो आपके दोस्त भी अगर कभी अच्छी वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी आपको ऑटोमेटिकली शेयर कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई है। अब जैसा कि हम जानते हैं, बाजू में आगे के पल्ला की तरफ 1/2 इंच का गोलाई में कट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा 7.5 इंच तक होता तो ये दब जाता, लेकिन ये है 8.5, तो हम ये कट करके हटा देंगे, और फिर ये बाहर की तरफ जो मतलब सामने की तरफ से हो उसमें अंदर की तरफ से एक पल्ला करके काट लेंगे 1/2 इंच के। फिर ये दूसरे बाजू का है, तो दूसरे बाजू को भी ऐसे ही करके 1/2 इंच तक काट लेना है। इससे क्या होता है कि आर्म होल के पास कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं, मतलब दोनों बाजू में आपको फ्रंट साइड में काटना है। बाकी डिजाइन आपको तो अच्छी लग ही रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इसकी बैक नेक की डिज़ाइन नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हुई हमारी वीडियो कंप्लीट। मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे लिंक मिलेंगे जिससे आप
बहुत ही कुछ आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिलेंगी स्टेप वाइज, आप वहाँ से एक बार ज़रूर देखिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो होता है मैं उसे आई बटन में टैग कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप अच्छे से रहें, खुद का ख्याल रखें, धन्यवाद।